गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूजा मानती नहीं तार अर्थ नुहे व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मानती केवल ताकु नुहे किंतु गौड़ीय वैष्णव मान विशेषत कौन गुरुदेव आविर्भाव तिथि एवं आचार्य मान आविर्भाव तिथि को मध्य व्यास पूजा कह जाए कहीं तार कारण कौन व्यास काल कह जाए व्यास माने जे विस्तार कर आमर गणित जो मैंने गणित पढ़े जानते व्यास का कहुए वृत्त मध्य केन्द्र बिंदु जो सरल रखा जाए वृत्त उभय स्पर्श कैसे कहुए व्यास किंतु जहाँ व्यास कह जेकोसी सरल रेखा वृत्त मध्य रही व्यास कहुन आ जो मैंने व्यास कहते हैं अनभिज्ञ व्यास विषय से जीव तार नाम है जिया जे केन्द्र बिंदु स्पर्श कर केन्द्र बिंदु मध्य वृत्तर परिधि को स्पर्श करना व्यास कह जिया कह केन्द्र बिंदु मध्य जीवार अच्छे केन्द्र बाहर हेले व्यास वृत्त को स्पर्श कर पारे वृत्तर परिधि को स्पर्श कर पारे किंतु व्यास कह जिया कह ताले व्यास क्या कह जाए जी केन्द्र वृत्तर केन्द्र बिंदु दे उभय सीमा पर्यंत स्पर्श कर व्यास कहीं कहला ना व्यासदेव एवं अनुगत जिते गुरु जिते आचार्य जन्मतिथि व्यास पूजा कह जाए कहीं व्यासदेव जहाँ कार्य गुरुदेव सद्गुरु कार्य आचार्य मैंने कार्य जेहेतु व्यासदेव कार्य सद्गुरु मान करती तेणुक जेकोसी सद्गुरु आविर्भाव तिथि जन्मतिथि को कह जाए व्यास पूजा तेणु आज आम मानू व्यास पूजा योगदान कर कृपा लाभ कर सौभाग्य लाभ हो कहीं आज व्यासाभिन्न एवं आचार्य स्वरूप सद्गुरु स्वरूप आम नित्यलाभ विष्णुपाल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज शुभर आविर्भाव तिथि व्यास पूजा योगदान कर सौभाग्य होती से मध्य जन आचार्य अभिन्न व्यास स्वरूप थे से मध्य जन आचार्य थे तेणु गौड़ीय वैष्णव संप्रदायर सिद्धांत अनुसार केवल व्यासदेव आविर्भाव गुरु पूर्णिमा ही व्यास पूजा नुहे जेकोसी सद्गुरु आचार्य आविर्भाव तिथि व्यास पूजा कह जाए तन्मधर आज दिवस अन्यतम ताले व्यास भिन्न गुरु बा व्यास भिन्न आचार्य जन्मतिथि को कह जाए व्यास पूजा ताले आचार्य किए आचार्य न जानला पर्यंत व्यास पूजार महिमा मत जानपर आचार्य किए बर्तमान आम मान ज्ञान कौन जेकोसी व्यक्ति को आम आचार्य कौन ये प्रकृति शास्त्रीय आचार्य पदवाची नुहत व्याकरण आचार्य वेदांताचार्य न्यायाचार्य पुराणाचार्य ये सब आचार्य आचार्य प्रकृत शास्त्रीय पदवाची नुहे शास्त्रीय आचार्य नुहत लौकिक आचार्य बा प्राकृत विद्यार आचार्य हो पारे किंतु प्रकृत आचार्यत्व एठारे देखा जाए ना जत पर्यंत शास्त्र कथित लक्षण कौन सी व्यक्ति विशेष निकट में प्रकाशित होनी से पर्यटन से प्रकृत आचार्य नुहत आचार्य अभिनय करपारती आचार्य क्रियावली कार्य करपारती किंतु प्रकृत आचार्य प्रकाश नाला पर्यंत से प्रकृत आचार्य रूप से अभिहित हो पारे ना यहाँ शास्त्र निर्देश तेणु समस्त आचार्य हो पारे जहाँ आचार्य कहले ये मूढ़तार परिचय आचार्य किए शास्त्र निर्देशन व्यासदेव निजे व्यासानुग मध्वाचार्य निजे कहते आचार्य किए आचार्य किए पंचरात्र प्रवृद्ध पंचरात्र शास्त्र ज्ञान से प्रवृद्ध अर्थात प्रकृत प्रकर्षण बुद्ध अर्थात पंचरात्र कौन पंचरात्र उद्देश्य कौन पंचरात्र कहीं तार लक्षण कौन तार कौन योग्यता तार तार योग्य किए तार लक्षण लक्षित क्यों मैंने होगा उचित तार निर्देश तार विषय तार उपक्रम तार उपसंहार सब विषय जी अभिज्ञ केवल से नुह सिद्धांत तत्वी आ पंचरात्र समस्त शास्त्र वेद वेदांत उपनिषद रामायण महाभारत भारत जिते प्रकार शास्त्र अच्छी
समस्त शास्त्र जो निष्कर्ष सिद्धांत से सिद्धांत जी तत्व से सिद्धांत तत्व को भल भाव जी जानती এই দুইটি লক্ষণ হল তাপরে এই দুইটি লক্ষণ থাই অন্য লক্ষণ গুলি নথলে মধ্যে সর্বলক্ষণ হীনোপি অন্য যেতে লক্ষণ আছে বাকি সেগুলি নথলে মধ্যে আচার্য সহ বিশিষ্যতে সে হল শ্রেষ্ঠ আচার্য কিন্তু এই জগতর জাগতিক সামাজিক পারিবারিক মানবিক যেতে প্রকার লক্ষণ যেতে ভালো ভালো লক্ষণ দেখা গেলে মধ্যে আচার্য তাঁকে কুয়া যাই পারিব না শাস্ত্র হিসাবে আমি সৎ ব্যক্তি কইপারিবা সজ্জন কইপারিবা ভাল লোক কইপারিবা কিন্তু আচার্য পদরে অভিষিক্ত হবার তাঙ্কর যোগ্যতা নাই যেতল পর্যন্ত এই লক্ষণ নাই তেণু আচার্য মানে আমি সাধারণ ব্যক্তি ভাবিলে বলি আচার্যঙ্কর গুরুত্ব আছে আচার্য পদর মহিমা গরিমা আছে যাহ তা আচার্য রূপে আমি অভিহিত কলে ই আমার মূর্খতার এবং মূঢ়তার পরিচয় হব তেণু শাস্ত্র অপমান হব মহান্ত মানকর অপমান হব সাধু মানকর অপমান হব এবং আচার্য পদবীর অপমান হব তেণু এই জগতে আমি জাগত আচার্য রূপে যদি সংজ্ঞা দেবা তাহলে এই আমি মানকর মূর্খতা প্রকাশ পাইব তেণু অন্য কৌশি গুণ থাকি নথাও কিন্তু এই দুইটি গুণ বিশেষ রূপে থিলে সে আচার্য কোন বিশেষ গুণ পঞ্চরাত্র প্রবুদ্ধস্তু পঞ্চরাত্র আদি শাস্ত্রে যে প্রবুদ্ধ হইতে আউ সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিদ যেতে প্রকার সিদ্ধান্ত জীবতত্ত্ব মায়াতত্ত্ব ভগবতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব শক্তিতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব যেতে প্রকার এই জগতের তত্ত্ব আছে সবু তত্ত্বর যে তত্ত্ববিদ তত্ত্বম জানাতি যশ তত্ত্ববিদ যে সমস্ত তত্ত্বকে সম্যক ভাবে জানান্তি তাঙ্কু আজে তত্ত্ববিদ অর্থাৎ যে আচার্য হবে তাঙ্কর কৌণসি তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা রইব না তাহলে সে প্রকৃত আচার্য পদমাত্র হইবে আউ অন্য লক্ষণ গুলি জাগতিক ভাল লোক মানবিক লক্ষণ গুলি নথিলে মধ্যে আচার্য হইপারিবে কাহিঁকি না হয় শিশু পঞ্চরাত্রে ব্যাস এবং ব্যাস ব্যাসানুগ মধ্যাচার্য কহুছন্তি সর্বলক্ষণ হীন অপি আউ অন্য লক্ষণ হীন থিলে মধ্যে নথিলে মধ্যে কিন্তু এই দুইটি লক্ষণ কলে এই দুইটি লক্ষণ থিলে আচার্য সব বিশিষ্যতে সে কেবল সাধারণ আচার্য নুহতি বিশিষ্য বিশেষ আচার্য শ্রেষ্ঠ আচার্য তেণু এইসব লক্ষণ গুড়ি অস্মদীয় পরমাদান্ত্য যাহঙ্কর এই শতবার্ষিক উৎসব আমি মানে উপস্থিত আমার শ্রীল ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বাই মহাদেব নিকটে পরিলক্ষিত হয়েছিল ব্যাসদেব মধ্য আউরি কৌছেন আউরি কি আচার্য হইপারিব আচার্যঙ্কর লক্ষণ কোন আউরি যস্য বিষ্ণু পরাভক্তি যথা বিষ্ণু তথা গুরু সব আচার্য জ্ঞেয় সত্যমেত বদামিত অর্থাৎ যস্য বিষ্ণু পরাভক্তি অস্তি অর্থাৎ যার ভগবান বিষ্ণু নিকটে পরাভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি কেবল ভক্তি নির্গুণ ভক্তি বিষ্ণু ভক্তি অছি যদি কৌশি ব্যক্তি নিজক আচার্য বলে অভিমান করে লোক নিকটর পূজা আদি গ্রহণ করে এবং শিষ্য আদি করে কিন্তু তার যদি ভগবান বিষ্ণু নিকটে ভক্তি নাই ভগবান বিষ্ণু কে বিষ্ণু তত্ত্ব কৃষ্ণ তত্ত্ব এগুলো জানে নাই এবং নিজে আচরণ করি ভক্তিযুক্ত হয়ে নাই সে আচার্য পদবাচ্য নুহন্ত তেণু আচার্য হওয়া গেলে প্রথমে বিষ্ণুকর ভক্ত হওয়া পড়ব বিষ্ণু ভক্ত ব্যতীত আচার্য পদবাচ্য নুহন্ত অন্য কৌশি পদবাচ্য হইপারে বিষ্ণু ভক্তি রহিত ব্যক্তি আচার্য নুহন্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত লৌকিক সিদ্ধান্ত তথাকথিত বিদ্বান মান সিদ্ধান্ত অলগা কিন্তু শাস্ত্র হয়শিষ পঞ্চরাত্র মধ্বাচার্য যে কি সমস্ত শাস্ত্র প্রণেতা সে স্বীকার করুনাহান্তি বিষ্ণু ভক্তি ব্যতীত কৌশি ব্যক্তি আচার্য হইপারে তেণু কহিলে কি আচার্য হইপারে যশ বিষ্ণু পরাভক্তি বিষ্ণু নিকটে পরাভক্তি রহিবা দরকার খালি যেকোন ভক্তি নাই ভক্তি বিভিন্ন প্রকার আমার অছি ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ কপিল দেবতী সংবাদে ভগবান কপিল দেব নিজের মা দেবতী কিন্তু বিভিন্ন প্রকার ভক্তি অছি রাজসিক ভক্তি তামসিক ভক্তি সাত্বিক ভক্তি নির্গুণ ভক্তি কর্মমিশ্রা জ্ঞানমিশ্রা যোগমিশ্রা বিভিন্ন প্রকার ভক্তি অছি যেকোন ভক্তি নেলে আচার্য হইপারিবে কোন ভক্তি রয়ে পরাভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি অনন্য ভক্তি নির্গুণ ভক্তি বিশুদ্ধ ভক্তি
जहाँ को आम रूप गोस्वामी मत भक्तिर समझी अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम यही भक्ति जार निकट अच्छी विष्णु निकट आम मान भ्रांतधारा कौन विष्णु मान कृष्ण नुहति ना आप श्रीमद भागवत पढ़ु रास पंचाध्याय शेष अंतिम श्लोक ब्रजपदवी विष्णु अर्थात ब्रजबधु मान सहित जो लीला कले कष्णु करसला किए कर विष्णु करष्ण कि सुखदेव इदम तो विष्णु ए विष्णु लीला अर्थात कृष्ण नामांतर है विष्णु विष्णु कृष्ण गोटी ना है विष्णु एठार विष्णु शब्द विष्णु और कृष्ण उभय अर्थात कृष्ण जार उत्तम भक्ति निर्गुण भक्ति पराभक्ति नाई से आचार्य नुहत जदि कौन व्यक्तिर विष्णु कृष्ण ठार भक्ति अच्छी से यथेष आहरी कौन जथा विष्णु तथा गुरु जो परिमाण में जेपर भाव भगवान विष्णु कृष्ण भक्ति अच्छी से भाव में निजर गुरुदेव ठार भक्ति रहा दरकार तथा गुरु अर्थात जदि कौन व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर विष्णु भक्ति कर गुरुदेव भक्ति करनी गुरुदेव अवमान कर आचार्य हमारे योग्य नुहत तेणु गुरु भक्ति रही व्यक्ति आचार्य जी आचार्य हमारे गुरुनिष्ठ दरकार तेणु यथा विष्णु तथा गुरु गुरु भक्ति रहा दरकार सब आचार्य ज्ञेय जदि कौन व्यक्ति ऐकांतिक विष्णु भक्ति परायण कृष्ण भक्ति परायण एवं गुरुनिष्ठ ताले एही व्यक्ति स्वयं आचार्य ज्ञेय अर्थात से व्यक्ति आचार्य जानवा दरकार ज्ञातम योग्य ज्ञेय अर्थात आचार्य रूपे जानवा उचित ताले कौन एटा सतना मीछ ताले शास्त्रकार कहते कौन सत्य मेदत बदामित साधारण भ्रम कर सन्देहान होनी कहीं श्रीमद भगवत गीतार भगवान कृष्ण कहते संशय आत्मा विनश्यति शास्त्र भगवत वाक्य गुरु वाक्य साधु वाक्य सन्देहान हेले विनाश अवसर भावी तेणु शास्त्र जहाँ कह जाए गुरुदेव जहाँ कहते साधु मान जहाँ कहते सन्देह युक्त हेले विनाश हम तेणु शास्त्र जहाँ कह जाए आम निश्चिंत ग्रहण करवा कर्तव्य सेथिरे संदेह करिया करते आम पालन करम निकट में लक्षित होनी से लक्षण ता आम दुर्भाग्य तेणु अनुतप्त ही कृपा प्रार्थना करवा कि शास्त्र जहाँ कह अभ्रांत सत्य बर्तमान घंटी बाजिगला तेणु बहुत महाराजा अच्छा तेणु आउ अधिक मर्यादा लंघन करवा चाहूँगी महाराज मैंने कहे से समय मिलोनी ताल यही जो आचार्य जन लक्षण जन लक्षित थे आम मान परम आराध्य नितल अप्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीम भक्ति वेदांत नारायण स्वामी महाराज आ निकट कि आचार्य तो प्रकाश पाई कह समय ना घंटी बाजिगला केवल मुरण करी मोर यणी पुष्पाजलि तदीय चरणारविंद तदीय शुभ शतवार्षिकी महोत्सव उपलक्ष समर्पित करहेतु कृपार्थना कर मोर बाणी विराम प्रदान भक्ति वैष्णव महाराज हाँ आम श्रीधर महाराज बहुत तात्विक शास्त्र अत्यंत गुड़ कथा को कहले आचार्य लक्षण कौन होगा दरकार यद्यपि व्यास पूजा समस्त संप्रदाय करते समस्त संप्रदाय लेकिन व्यास पूजा जे चरम दर्शन से कौ मान करती कहते केवल गौड़ीय वैष्णव मान मैंने कहीं कारण हूँ महाप्रभु ये जगत को कौन देवाप आसते से आस्तिल अनर्पित चरित चिरात करुणा यावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्जवल रसान सुभक्ति श्रिया बहुत बड़े गोटे जिनिष देवा आसते तेणु नरोत्तम दास ठाकुर कहते आम श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते ब्रह्मा विरिंचिर बांछित जे प्रेम जगते फेलिल ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचाइया बाजाइया करता जो प्रेम को ब्रह्मा शिव नारद उद्धव जो प्रेम को सेमान प्रार्थना करते शिव से निजे गोपीश्वर महादेव आसले उद्धव ब्रजर से गुल्म लता औषध वृक्ष पाई प्रार्थना कर लक्ष्मी एने मध्य से ब्रजर बाहर माने जमुनार सेपटे हाथ जोड़ी तपस्या कर
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते एपर जत मधु से प्रेम से पाई ना से प्रेम को महाप्रभु जो प्रेम को देवा पाई आसते किंतु महाप्रभु भक्त माने से माने कौन देले बोले बाजा या करताली खाली केवल करताली बजे गिरी ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यदि केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत रे अन्य माने तो अन्य मान अनुगत कर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते यदि कई केवल महाप्रभु कर अनुगत रे यदि भक्ति ब्रजर भक्ति करती एक सागर ताको दुई प्रकोष्ठ रे सेवा प्राप्त हुए बोले कोटे बोले गोटे प्रकोष्ठ ते राधा कृष्ण कर निकुंज लीला रे द्वितीय प्रकोष्ठ रे से महाप्रभु कर से स्वत दिवर एक सागरे जेमते रूप गोस्वामी महाप्रभु लीला रूप गोस्वामी कलि कृष्ण लीला रूप मंजरी सनातन गोस्वामी महाप्रभु लीला सनातन गोस्वामी महा कृष्ण लीला से लवंग मंजरी जीव गोस्वामी व्यास मंजरी जीव गोस्वामी एक सागर तंगो दुई प्रकोष्ठ रे सेवा प्राप्त होची आउ कोनो से संप्रदाय की वस्तु नाही तनो प्रभु बात कहउछति यद्यपि व्यास पूजा अन्यन्य संप्रदाय करंती किंतु महाप्रभु कर अनुगत रे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कर अनुगत रे जो माने ये व्यास पूजा करंती तांकर व्यास पूजा विशेष वैशिष्ट्य तेनो हम श्रीधर महाराज भलो भलो कथा कहिले आचार्य के ही पारिवे व्यास पूजा वास्तविक अर्थ कण तेणु आम मैंने बहुत भाग्यवान आम अन्य कौन से संप्रदाय को न जाएगी आम मैंने महाप्रभु धारे प्रभुपाद धारे आम आसीचु तेणु आम मैंने बहुत भाग्यशाली तेणु श्री भक्ति वैभव वैष्णव महाराज से गुरुदेव चरण में श्रद्धा पुष्पादी प्रदान कर नाष्टम मनुमपी सचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम दस्याग्रजमुरुपुरी माथुरिंगष्टवाटि राधाकुण्डम गिरिवरमोहो राधिको माधवस्य रक्तजस्य प्रथीत कृपायसि गुरु वंचाकलपतरोहस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो सपक्री परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय भगवत्व भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत्व सेवा प्रदाता नित्य विलापष्टमिष्पातिदंडी स्वम सिस्मद भक्ति सुंदर सागर गोस्वामी गुरु महाराज चरणारविंद ने अनोत्पटि षष्टंग दंडवत अहितिगि कृपा वर्धन नित्य विलापष्टमिष्पातिदंडी स्वम सिस्मद भक्ति स्वरूप पद्मद गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज चरणारविंद ने अनोत्पटि षष्टंग दंडवत अहितिगि कृपा वर्धन नित्य लीलापष्टमिष्पातिदंडी स्वम सिस्मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरणारविंद रे अनोत्कोटि षष्टंग दंडवत इति कृपा प्रार्थना नित्य लीलापष्टमिष्पाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद चरणारविंद रे अनोत्कोटि षष्टंग दंडवत इति कृपा प्रार्थना मंचासीन सभापति महाराज एवं समस्त त्रिदंडी पादबिंद चरणारविंद रे अनोत्कोटि षष्टंग दंडवत इति कृपा प्रार्थना उपस्थित वैष्णविंद विष्णुविंद सजनबिंद मातृविंद पूज्यपाद भक्ति वेदांत बुद्धायन महाराज खरारे पूरा समस्त झाल बाहर जदि ये एसी व्यवस्था है समस्त शुचे अधर अधिक शुच्छ ये कथा शुणीते शुणीते मु देखुच प्रायत ढूली जाऊ चैतन्य सिंह नवदीप अवतार ये संसार ने जिते प्राणी अच्छा समस्त भीत ही डरी जाती गोटे गर्जन कि डरी जाती ना डरी जाती गोटे आवाज हम समस्त भीत ही जाते केवल जड़े डरे कहारी आवाज को सी डरे एवं जो गोटे आवाज हुए से गुंफा भितर बाहरी आसे से जन किए से सिंह सिंह के डरे सिंह कौन विषय वस्तु भीत नुह चैतन्य महाप्रभु भक्त से सिंह पी सब समय से गुरु महाराज कहते महाराज जीवन चरित्र भितर गुरु महाराज पाखु मुझे सी भारी वैष्णव मान को प्रीति कर
वैष्णव प्रति तांकर बंधुता वैष्णव देखिया पड़ब चरणे हृदय बंधु जानी वैष्णव ठाकुर प्रभुर कीर्तने देखाइबे संबंध मानी आखि आगे जदि किछि रखा जिवो आखि को देखा जिवो ना देखा जिवो आखि आगे जदि आमे किछि रखि देबा आखि रे देखि दे पाइबा ना देखि दे पाइबानी देखि दे पाइबा जदि आखि आगे चश्मा रखा जाए जदि आखि आगे चश्मा रखा जाए आखि को कोन देखा जिवो परिष्कार देखा जिवो जदि आम आगे जदि वैष्णव को रखिबा तेबे आखिरे आमे भल देखिबा ना खराब देखिबा समस्त तीर्थ आसुचंती समस्त श्रीक्षेत्र धाम को आसुचंती हजार थर जिबे जगन्नाथ को दर्शन करिबे सेतिरे किछि लाभ होबोल हजार थर जगन्नाथ को दर्शन करिबे किछि लाभ होबोनी किछि परिवर्तन होबोनी दैनदिन जाय जाऊ जगन्नाथ को मुंडिया मारु महाप्रसाद सेवन करू सब किछि करू तार परिवर्तन केबे घटिबो केते लोक देखो दिन ऑफिस गले दिन व्यापार को गले सकाळे मुंडिया डे मारिके जिबे संध्या रे जेते फेरिबे कान दीटा को मोड़िबे दी गाला को दी चापड़ा मारिबे पळई जिबे कोन भई चापड़ा मारती कोइलो हां सारा दिन जहां पाप कोली जहां कोली वर्तमान मु कान को मोड़ी के चापड़ा दे मत सब क्षमा कर दे ता पर दिन पुणी से अवस्था से अवस्था ना अवस्था नहीं केबे परिवर्तन नहीं परिवर्तन जदि आमे भी एई प्रकार तमाम जीवन जदि आसी थांते जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ दर्शन करी थांते सब किछि करी थांते किंतु जीवन रे परिवर्तन हि थांता की केबे भी होबो कोइले का मोइला छुटे सतबार धौत कले मध्य खीरे रे पुड़े के रखिले मध्य जहां कले मध्य कोइला रा मोइला केबे जीवन नै तार कोला जीवो की केतबेले जीवो जेतबेले कोनोसी अग्नि संयोग हुए अग्नि संयोग द्वारा महिलाटी छुटी जाए तार रंगर परिवर्तन हुए जेई पर्यंत साधुंकर जेई पर्यंत गुरुंकर व्यक्तिर संगन लाभ होई छी सेई पर्यंत केबे मध्य परिवर्तन संभव पूर्ण नहि अतएव देखिबे किमिति रो संभव पर केबे देखि छ तुमन समस्त आचार करि छ आचार करन नहि नित्यलीला प्रश्न विश्वभाग भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते मनुष्य गोटे जिनस ना गोटे अवस्था ना जे अवस्था आचार रुचे ना प्रकार गोटे अवस्था अच्छी तुमको ज्वर आचार दिज्व भल लगे ना ना भल लगे ना तुम्हें जे अवस्था अच जे परिस्थित अच कि आचार मुह को टेस्ट हुए हुए ना हुए आचार टेस्ट हुए ना टेस्ट लगे कि देह प्रति के हित लगे ना से देख साधु गुरु कथा आमको टेस्ट लगे अन्य लोग किसी कथ गोटे फिलीप पाटर आस लोक भिड़ाभिड़ी पूरा ये टेंट भांगी जी सब किसी कि तुम्हारे किसी उपकार करना कौन सी उपकार करी को भल न लगे पेट को भल पार्टी को रुचे महाराज कहते जहाँ पार्टी को रुचे पेट को बैठा मारे से साधुगुरु कौन करती जिते तुम आचार गोटे कर देख लेंबुटा को आगे लुण से जराव जराव ना नहीं लेंबुटा को जो लेंबुटा को लुण भितर पक कौन कर जारी दबो प्रति रंध्र तारी लुण पशिक जारी दिए जारे ना जारे नी जारी दिए जे प्रकार प्रति रंध्र लुण टा पशिक जारी जाए एवं से लेंबुटी नष्ट हुए हुए कि से लेंबु नष्ट हो प्रकार साधु गुरु कथा एवं साधु गुरु वाक्य जारी प्रति रंध्र रंध्र ढुक जाए से केवे नष्ट हो तारी गौर प्रेमानंद से महाराज प्रति पृथ्वी सर्वत्र भ्रमण कर हृदय समस्त दुर्बलता समस्त हृदय विस्मृति समस्त माने हरिविमुखता सर्वत्र उड़े कृष्ण भक्ति को स्थापन महाराज परिचय शास्त्र गोटे लिखा गला तुम्हें बिल्डिंग ठुकब तो ठुक गोटे ओहुंका ठारू अधिक गोटे ओहुंका क्या देखी ओहुंका देखी चो ना कैतिक बड़ा ओहुंका ओहुंका कैतिक बड़ा बड़ बड़ ओहुंका छ फुट सात फुट आठ फुट दस फुट पर्यंत ओहुंका ओहुंकार ओहुंका प्रति ओहुंका ओहुंका प्रति केते ताला बिल्डिंग
ओई हुंकाटा ओई पोथी केते दल मिलनी केते सह दल मिलनी शास्त्र कहचे तुम्हें ओई ठारु अधिक दल मिलनी बने परिबो की बने परिबो बने परिबो कोन ना करिबो की करा मतले तुम पे करे छे ओई हुंका पखरे जति के करा मति अछि बिल्डिंग बने बारे तुम पखरे सत्री करा मति नाही तुम्हें जे को मन कर मो पाखरे बहुत करामती गोटे प्राणी ठार तुम पाखरे अधिक करामती ना चिल्लिका को समस्ते शीत दिन सब पक्षी मान आसपास धरिकी आसती कंपास धरिकी आसती तुम्हें जन को छाड़ दिखनी भुवनेश्वर सहर क्या पचार पचार ना पक्षी क्या पचारे तार जगह आस पहुंचे ना पहुंचनी तुम पाखे कौन योग्यता अच्छे तुम्हें कार आदि खुणीच से पुणी नेटवर्किंग रखुच मोबाइल रखुच से नेटवर्किंग व्यवस्था तुम्हारे से मसला ना जी पाखे पशुपक्षी पाखे अच्छी तुम्हें गोटे संडटा को खाई दि डेली ठीक टाइम तुम घर आसिक पहुंची टिके भी विलंब करू तुम्हें डाक आज महाराज शतवार्षिक पालन होना एगारटा बारटा गोटे एगारे आउ किसी अच्छे सब सर जाए हरिहर प्रसाद खाई पड़ी आस प्रकार तुम मनुष्यता मनुष्यता भितर तुम कहीं परिवर्तन हम हमनी से साधु गुरु संग करने पड़ो समस्ते आगे स्कूल को मास्टर जाए ना छुआ जाए मास्टर जाए आगे पियन टा चाबी काटी खोल आगे मास्टर जीव ना छुआ जीव आ तुम्हें सब पचे आस हरे कृष्ण हबनि चलब आगे आसन मिचे आगे कीर्तन करिबो तुम्हें आगे प्रस्तुति हम सी तेब जाए शिष्य हम शिष्य व शासन को स्वीकार करे जी मन प्राण सब किसी को समर्पण करता है सी शिष्य ना शिष्य ही पार से सदगुरु ग्रहण कले भी हमी सदगुरु ग्रहण करदे जो उद्धार शास्त्र यहाँ लेखाई जो सदगुरु ग्रहण करदेला सी भगवत प्राप्ति हम ना सदगुरु ग्रहण करना बिना साधन से भगवत प्राप्ति हम महाराज से प्रकार साधन कर प्रत्येक दिन सब कार्य कर नाम कर प्रत्येक कार्य करम कर आगु समस्ती मठ मंदिर गृहस्थ जदि कम करते करते समय मिलला हरिनाम झूला धरते आज कल कम करते करते समय मिलने मोबाइल टा धरिक भरा बसा कारण कि नेट पैकेज टाइम फाका पड़े सी पैसा टा बर्बाद हो कथा बड़ कथा ना मु बर्बाद होगा भी दरकार हरे कृष्ण ये प्रकार असंख्य कथा से समस्ते सावधान सहित साधु गुरु कथा सुन जीवन सार्थक महाराज चरण अरविंद अनुत कोटी साष्टांग दंडवत कृपा पात्र वांछाकल पुत्र वसु कृपा सिंधु भई वचन गीता नाम पावन भूमिश्व भो नमो नमो हरे कृष्ण श्रीपाद भक्ति वंदन बामन महाराज आम वैष्णव महाराज बहुत भल भल कथा कहते हैं गोटे विशेष कथा कहते आमर जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज थे जी मथुरार से मठ धरले से कहले से मथुरार कहीं मठ धरले बोले कारण हूँ जो वैष्णव मैंने आसवे वृंदावन को स्टेशन हूँ मथुरा से ओह मथुरार ओल्लिक रही कौटी से कौन से स्थान दरकार तेणु समस्त आसिक केशवजी गौड़िया मठ से समस्त आस रही तो रही समय से भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज से रोते तेणु सी निजे देखी जिते प्रभुपाद गण अन्न्य वैष्णव मान सब आसिक रोते तेणु से रही समस्त वैष्णव सेवा कर सुजोग प्राप्त हो तेणु आम भागवत कह रघु गण न तपस्या जाति न इजया न निर्वाप न गृहत बा नैव छंदासि नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषेकम् जब पर्यंत महान पुरुषंकर सेवा के न करती कछन रघु बने न तपस्या मतलब तपस्या द्वारा भगवान मिलवेनी न जाति जाति द्वारा न मिलवेनी न निर्वाप न गृहत बा घर संसार छाड़ने मिलवेनी नैव छंदसा वेद अध्ययन द्वारा मिलवेनी मिलव केमती वैष्णव सेवा द्वारा महत पुरुष चरण आश्रय बिना भगवत प्राप्ति असंभव तेणु आम भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भितर ये गोटे विशेष गुण था कि समस्त वैष्णव सेवा करिया सुजोग प्राप्ति है तेणु महाराज नाम हूँ वैष्णव महाराज
तेणु से वैष्णव सेवा विषय बहुत भल कथा कहले श्री बामन महाराज। ओम चर्चाय विचर्चाय प्रचर्चाय तमनुते कृतिज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्तुते सत्तम सेवकतम मानदतम भग्मिने संत दंताय कंताय महंताय नमो नमः। सत्यव्रताय सौजन्य संतन सभ्यमूर्तये भक्तिजीवनाचर्य श्री गुरुदेवाय ते नमः। दीर्घं सौम्यवापो नवारुण बहिर्वास त्रिदंडिनीतं वंदे श्रीमधुसूदन गुरुवर वेदांत विद्याबुद्धिं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने। गुरवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमे मध्य गुरुपाद पद्म ओम अष्टोत्तर शतश्री श्री त्रिदंडी स्वामी परमहंस परिप्राजकाचार्य भक्ति जीवन आचार्य श्रील गुरु महाराज अशोक अर्थ चरणारविंदर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करूछि। उपस्थित मंचासीन पूज्यपाद सभापति महोदय अन्यान्य त्रिदंडी पादगण समस्त अशोक अर्थय चरणारविंदर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करूछि। उपस्थित वैष्णव वृद्ध भक्त वैष्णवी सज्जन एवं मातृवृंद समस्त चरण से ये अधमर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज ये महान तिथि और नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वैभव नारायण गोस्वामी महाराज आविर्भाव तिथि आमे मु तो कथा कहिबार योग्यता हासिल करिना तथापि जेतेबेले महाराज वैष्णव के आज्ञा हरि कथा पदे तो कहिबार पड़िबो जहाँ जेतिकी जानिछि मु सेतरे आपण मानको जे संतुष्टि करि परिबि बा तत्वज्ञान किछि देइ परिबि से विश्वास मोर तो नाही। तथापि जेतिकी जानिछि से प्रसंगरे मु पदे अध्याय कहिबि। शिक्षा शास्त्र हाथ आसुच्छे जो शिक्षा आम अनेक समय कहते शिष्य एवं छात्र गुरु एवं शिक्षक दीटा जिनस देखा आमको एका एकापरी आमको लगे जमी गुरु लगती सेमती शिक्षक लगती जमी शिष्य लगती सेमती छात्र भी लगती किंतु दुई जन भर बहुत फरक अच्छे। जन शिक्षक जन शिष्य शिक्षक गुरु हो पार शिक्षक शिक्षक हो पार कि जन शिष्य केत गुरु शिष्य हो पार शिष्य केत गुरु गुरु हो पार जन छात्र शिक्षक शिक्षक किंतु जन शिष्य गुरु गुरु हो पार ना जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास जेतेबेले आम एक मूर्ति गठन करने को गोटे पथुरिया को देखी सी गोटे मूर्ति गठन करुचे से कौन कर मूर्ति केमी गठन कर मूर्ति से पथर भितर अच्छी से पथर भितर मूर्ति को से बाहर करुचे कौन मूर्तिर स्वरूप को से बाहर करुचे नित्य सिद्ध नित्य सिद्ध कृष्ण नाम कभु साध्य न भगवान कृष्ण भगवान केत साधन द्वारा ही संभव नुह तेणु केमी संभव ना से कृपा गुरु कृपार केवल कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुमार शक्ति अच्छी जे कृष्ण दबार योग्यता एक सद्गुरु योग्यता अच्छे से सद्गुरु ही केवल कृष्ण को प्रदान करें साधन द्वारा जिते अनंत जन्म साधना कले भी से भगवत प्राप्ति हो पार ना तार से योग्यता ना तो वैष्णव चरणामृत बहुत महाराज मान वैष्णव तत्व सुंदर भाव में बखाणिले मुझे
ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛି, ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଅସାଧାର କଲି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଭଗବତ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବ, ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଶୋଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଶରୀରକୁ ବି ଦିବ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ କରିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ବହୁ କିଛି ଶିଖା, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପ, ଯେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାଲିଛି, ଯେ ବହୁ ବହୁ ସନ୍ଥ ବାଣର ଭାଲୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥର ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପଥର ନେଉଛନ୍ତି, ସେତୁବନ୍ଧରେ ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେବକ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟି, ତାର ବି ପ୍ରୟାସ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ନିଜେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ବାଲିରେ ଗୋଳେଇ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଳେଇ ଯାଇକି ସେ ପଥରରେ ନିଜକୁ ସନ୍ଧି ମାରି ଦେଉଛି, ପଥରରେ ଧାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପଥର ସନ୍ଧି ସବୁ ମାରିଯିବ ଆଉ ପଥର କେମିତି ଖସି ନ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନ ମହାବୀର ତାକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟା ପାଦ ପଡ଼ିଯିବ, କାଳେ ଚକୁଟି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟାକୁ ସିଧା ପାଦରେ ଉଠେଇକି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କହିଲେ ଯାହା ଯାହା ଏଠି ସବୁ ପଥର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ସୈନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗିଛନ୍ତି, ତୁ କାହା ପାଦରେ ଚକୁଟି ହେଇଯିବୁ। ରଘୁନାଥଙ୍କର ଏ ଦର୍ଶନ ଏ କଥା ଦେଖିଦେଲେ, ଏ ଦର୍ଶନ କରି ରଘୁନାଥ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଏଇ କଥା ତମେ ଯୋଉ କାରଖାନାର ବଡ଼ ଶ୍ରମିକ ଅଫିସର ସେଇ ଛୋଟ ଶ୍ରମିକ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାଟି, ସେ ଆଜି ତମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବାଟା ଠିକ୍ କଲନି, ପାଦରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ୍ତ, ସେ ଅପରାଧ ସ୍ୱରୂପ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଏଠି ଯାଅ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ଧରିକି ଆସ। ତ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ହନୁମାନ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ରଘୁନାଥ କୋଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ବସେଇଲେ, ଆଉସି ଦେଲେ, ଆହା ତତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ହନୁମାନ, ତତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ତେଣୁ ତମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତି ଦବ, ଗୋଟେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦବ, ଆଉ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦବ ହନୁମାନ ସବୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କହିଲେ, ଶାସ୍ତି ଦେବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଶାସ୍ତି ଦେବି ନା, ହଁ ତମେ ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦବ ତାକୁ ମତେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସତ କଥା ତ, ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ରଘୁନାଥ ଅସ୍ତୁ କହିଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣ ରଖିବେ ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, ସେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁଥିବ, ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ରଘୁନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କଣ ଏ କଥା, ତମର ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟ କଲା, ତମକୁ ପାଦରେ ଛାଟିକି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା, ତମେ ତାକୁ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଦେଲ, ଏଇଟା ତ ଶାସ୍ତି ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତିଟି ହନୁମାନ ମତେ ଦେଲେ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହାକୁ ପାଦରେ ବି ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସେ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତ ଦିନ ଧରି, ନା ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ତ ସେତୁବନ୍ଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲି, କାହିଁ ରଘୁନାଥ ତ ଦିନେ ମତେ କୋଳେଇ ନେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବସି କୋଳରେ ବସେଇ ମତେ ତ ଦିନେ କେବେ ଆଉଁସି ନେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଯଦି ବୈଷ୍ଣବର ପଦାଘାତ ବି ସହିବାକୁ ହୁଏ, ବୈଷ୍ଣବର ପାଦଧୂଳି ଯଦି ମୋ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବୈଷ୍ଣବର ସେବା ଯଦି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ନିଷ୍କପଟ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ମୋତେ କୃପା କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ଯା ହଉ, ମୁଁ ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟି ବେଲ୍ଟି ହେଲା ସେଇଟା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ବେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ଅଧିକ କଥା କହିପାରିବିନି, ଅନ୍ୟମାନେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁମଧୁର କଥା କହିବେ, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବେ। ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରୋତା ଚରଣରେ ଆମେ କରି ନମସ୍କାର, ସର୍ବେ ପଦ ଧୂଳି ଦେହ ମଥା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଭାରତୀ ମହାରାଜ, ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानांजन श्लाघे चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवः वंशा कल्पतरुवर्ष कृपाशं दिव्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दस्य अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तिभ्यो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমি বঙ্গভাষায় বাংলা ভাষায় কথা বলবো, মার্জনা করবেন আমাকে। আজ সর্বগ্র শ্রীমতী গুরুপাদ বর্ণনিত্যলাপরোষকং বিষ্ণুচল ভক্তি প্রজ্ঞান দ্যোতি মহারাজ রাতুল চরণে শষ্টাঙ্গে দণ্ডবত পুণ্যতি জানিয়ে উপস্থিত ত্রিদণ্ডী পাদগণ, সজ্জন মণ্ডলী, ভক্ত মণ্ডলী, সবাই চরণে যথাযথ প্রণাম জ্ঞাপন করি। আজ যাহার শুভ তিথিতে উপস্থিত হয়েছি ছিল অষ্টাত্তর শত সিনহা ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি। এই আবির্ভাব তিথি ব্যাস পূজা নামান্তর গুরু পূজা। তাহলে ব্যাস জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস। এই যে নিত্য দাসত্বই প্রকাশ করিয়ে দেন কে, জীবের যে নিত্য যে স্বরূপ হচ্ছে কৃষ্ণ দাস, এই দাসত্বের পরিচয়টা কে দিয়ে দেবে? দত্তাত কুর্যাত পাপর্ষ সংক্রাম মন্ত্র, গুরুদেব যখন মন্ত্র দান করবেন সেই মন্ত্রর সাথে সাথে কি পাপ সংখ্যায় হয়ে যায়? মন্ত্রটা মানে ভগবত স্বরূপটা তার হৃদয়ে স্থাপন করে দেওয়া, এই হচ্ছে মন্ত্রের স্বরূপ এবং সম্বন্ধ জ্ঞান করে দেওয়া। এই যে সম্বন্ধ দাতা হচ্ছেন গুরুদেব, তাই সম্বন্ধ জীব জীবের স্বরূপ যে কৃষ্ণ নিত্য দান সেটা একমাত্র গুরুদেবেই দান করে দেবেন। ভগবানকে আমরা চিনি না, এই রাজ্যে বসে প্রাকৃতিক রাজ্যে বসে অপ্রাকৃত ভূমিকায় যে ভগবান অবস্থিত আমরা জানতে পারবো না, কিন্তু ভগবান গুরুদেবের প্রতিনিধি আদি ব্যাসকে নিত্যানন্দ প্রভু এবং শিবাস অঙ্গনে যে ব্যাস পূজার অনুষ্ঠান হয়েছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভু আদি ব্যাস অর্থাৎ শ্রীমা মহাপ্রভুর গলায় মালা অর্পণ করে পূজা সমর্পণ করেছিলেন। অতএব আদি ব্যাসকে শিবের যে কৃষ্ণ গুরু হন শাস্ত্রে প্রমাণ, গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভগবান, তাহলে কৃষ্ণ হচ্ছেন গুরু অন্য কেউ নয়, তাহলে আদি ব্যাস হচ্ছেন ভগবান। ব্যাস আর এক শব্দ হচ্ছে বিস্তার করা, ভগবান বিস্তার করলেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মায় ব্যাস পূজা করলেন ভগবানকে, ব্রহ্মা তৎপুত্রগণকে, তৎপুত্রগণ ব্রহ্মাকেই পূজা করলেন, ব্যাস পূজা করলেন তারাই করলেন। এরম পরম্পরা অনুযায়ী আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সব জগতে অবস্থিত হয়েছেন সেই ব্যাস পূজা, গুরু পূজা নামান্তর। অতএব গুরু এই জগতের লোক নয়, ভগবানের প্রেরিত জন এই জগতে এসে ওই এই জীবের কল্যাণ করার জন্য এই জগতে তারা মূর্তিমান হয়ে বিগ্রহ রূপে অবস্থান করেন। ভগবান স্বয়ং রূপে এসে আমাদের কৃপা করতে পারেন না, আমরা সে কৃপা ধারণ করতে পারবো না, আমরা জানতেও পারবো না। অতএব তার প্রতিনিধি স্বরূপ এই গুরুদেব এই জগতে এসে আমাদের সাথে মিশে আমাদের সাথে কথা বলে আমাদের সাথে বাক্যালাবাদী করে ভগবানের সন্ধান দিয়ে চলে যান, এই জগতের থেকে তার ভগবানের সন্ধান দিয়ে চলে যান। অতএব গুরু এই জগতের বস্তু নয়। আজ এখন একজন সৎ গুরু আজ পার্শ্বত্য দেশ কেন, সর্বত্রেই তিনি তার ভগবানের যে গৌরসুন্দরের যে অমল যে কৃপা সেই কৃপার বাণী সর্বত্রেই তিনি বিস্তার করে চলে গেছেন। এনার যা তা ক্ষমতা নয়, সর্বশক্তি ব্রহ্মণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে, কিসের শক্তি? ভগবত শক্তি তৎ ভক্ততে বক্তা, সেই ভগবত শক্তি দ্বারা জগৎ ধারণ করে দিতে পারে। অতএব দেশ পার্শ্বত্য দেশ কেন, ব্রহ্মণ্ড ধারণ করে দিতে পারে, তাদের সেই ক্ষমতা আছে। আজ সেই পূজ্যপাদ গুরু মহারাজের চরণে সষ্টাঙ্গে দণ্ডবত পরিণতি জানিয়ে, বৈষ্ণব চরণে দণ্ডবত পরিণতি জানিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র বাক্যের পুষ্পাঞ্জলি তাহার চরণে নিবেদন করে আমি বাক্যের বিরুদ্ধে দিলাম। বাঞ্ছা কল্পতর শিক্ষা হরে কৃষ্ণ ভক্তি বিজ্ঞান নিষ্কিন জনমান সমস্ত গুরবে গৌরচন্দ্রাই রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমঃ নমঃ সর্বদৌ অস্মদীয় গুরুপাদ পদ্মৌ
नित्रला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमशील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज अशोक अभय चरणारविंद साष्टांग प्रणाम करी तांकर अहेतुक कृपा प्रार्थना करूछि तथा मंचरे मंचासीन सभापति भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं समस्त त्रिदंडी पादगण भागती कथा पिपास शत्रु मंडल एवं मातृपुंडिक चरण मोर यथाजुग प्रणाम आज आंभे माने एही मौनी अमावास्या तिथि समस्ते एकत्रित होइछे आज जे योगाचार्य परम पूज्यपाद जगत रे जे हरिनाम प्रचार करथिले से होचंती श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जे आज एही जगत रे आमे समस्त हरिनाम संकीर्तन करूछे ये होचंती जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अहेतुक कृपा सारा जगत रे प्रत्येक प्राणी को एकत्रित करी एक वृक्ष तळरे समस्त को समाविष्ट करिछंती प्रभुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद परे ताहांकर शिष्य माने एक एक आचार्य ही सारा पृथ्वी रे गौरांग महाप्रभु वाणी को प्रचार करथिले महाप्रभु वाक्य थला पृथ्वी ते आछजत नवरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईब मोर नाम महाप्रभु से गौरांग महाप्रभु वाणी ए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही वाणी को सारा पृथ्वी रे महाप्रभु जे आदेश यही हरिनाम को ताहांकर शिष्य माने सारा जगत रे प्रचार करथिले यही जगत रे प्रचार करिया पाई प्रभुपादंकर जे शिष्य जे परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कृपा पात्र भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज सारा पृथ्वी रे हरिनाम एभरी भाव संकीर्तन प्रचार कले जे भागवत रे प्रमाण अछि साते पड़े च निष्णातम तस्मात् गुरुं प्रपद्यत गुरुंक पाखरे सही सद्गुण विराजमान जे शब्द रे परंगम एवं परम जे प्रतिष्ठित राधा गोविंदंकर सेवारे मध्य निजुक्त से राधा गोविंदंकर सेवा सारा पृथ्वी रे प्रचार करथिले एवं शब्द जे अनेक शास्त्र उत्कलीय बंग हिंदी इंग्लिश सारा पृथ्वी रे प्रत्येक भाषी मानक पाखरे से तांकर भाषा पहुंचाई पारिथिले एवं विशेष करी आमर एही उत्कल रे चैतन्य महाप्रभु प्रताप रत्नक द्वारा जहां किछि उत्कल रे वैष्णव धर्म प्रचार करथिले तहार परे नारायण महाराज जे सेही उत्कल रे आमर ओडिसा वासी मानक कृपा करिया पई एठारे मध्य दामोदर गौड़ी मठ प्रतिष्ठा कले एवं तांकर कृपा पात्र वर्तमान भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज एवं भक्ति वेदांत बोधायन महाराज एवं अनेक शिष्य मानक द्वारा सारा उत्कल रे देखंतु से वृक्ष टी आज विराट रूप धारण कर चाजे जहां एठी दर्शन हो जे अनेक शिष्य माने आसी उपस्थित होइछंती आज तांकर कृपा द्वारा जे एही उत्कल रे वैष्णव धर्म विपुल प्रचार हेउछि एहा देखि आमे समस्त ही तांकर एही हरि नाम संकीर्तन रे सहयोग करिवा जेभले रामचंद्र सेतु बंध स्थापन करुथिया समय रे साधारण गुंडु चटिया मध्य तार शक्ति सामर्थ्य द्वारा निजर धूलि दे सेतु बंध रे श्रम दान करितला सेही भली आमर एही संकीर्तन धर्म रे सारा जगत रे समस्त जेतु सहयोग करछंती आमे एही उत्कलवासी ओडिसा रे रही एक परिवार सदृश ही संकीर्तन एभरी भाव करवा जेभरी सारा पृथ्वी रे प्रतिध्वनित हेबो मु मोर बाणी को एति के कहि विश्राम रोज बांछा कल्पतरे कष्ट विभास हरे कृष्ण कते श्रीपाद माधव श्री माधवानंद प्रभु श्री पूज्यपाद श्री गौर गोविंद महाराज के गोस्वामी महाराज के से शिष्य से किसी एवं गौर गोविंद महाराज के संगे राम गुरुदेव को बहुत प्रीति भावना थी कहीं आम गुरुदेव जो भाव से ब्रज भक्ति को कहते श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज मत से ही विशेष करके से मान ब्रज भक्ति से संपूर्ण आप्लुत थे तेणु यहाँ के भीतर बहुत घनिष्ठता थी तेणु सी चली जावा जो शिष्य आम महाराज के शिष्य आम अन्न मठ को जाऊ इन किंतु आम गौर गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य मान जो भाव में आम सागर मिलकर एकत्र निजे गोटे आत्मीयता भावना मन करती ये कहीं करती कृपा पात्र श्री माधवानंद प्रभु
Gauranga-ganya-gana-gocha-galaru-haram Gauranga-gura-chama-gopya-da-kopa-vriksham Gopala-gada-gati-dam-yati-singha-gora Govinda-deshi-kavaram-satatam-namami Guruve-guru-chandraya Radhikaya-tatalaye Krishnaya Krishna-bhaktaya Tad Bhaktaya Mo Namaha Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pratham Amara Vandana Mor Gurudev Shri Srimad Srila Gaura Govinda Swami Maharaj Mor Shiksha Guru Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Amar Param Gurudev Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mu Durbhagya, Mu Oriya Beshi Budhi Parina, Kichi Kichi. So I'll try to say something in English. It's very hard for me because I'm sitting here, I'm a Pocha Drihasta. So many Bhaka Sannyasis and very elevated Maharajas, and I'm asked to speak something to you, and we should speak something of substance. So I'm reminded of a song by the Punjabi poet Yadu Das. Kodahe kirtana keli Kodahe kirtana kichorike mahanta meli Kodahe kirtana keli Sapta sampradaya gaya geet. This speaks of the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu here in Jagannath Puri, the Chodike Mahanta Mele, just like this function today, Chodike Mahanta Mele, so many Mahants coming from so many different places. Chodike Mahanta Mele, Kodaye Kirtana Kele, and coming and doing Kirtan Degele, Sata Sampradaya Gaya Geet. And this way, so many Sampradayas are there together in Chaitanya Charitamrita. Majalila chapter 13, Kaviraj Goswami uses the word sampradaya nearly 20 times to speak about the associates of Chaitanya Mahaprabhu and their kirtan. How is that? It's the Gaudiya Sampradaya, Gaute Sampradaya, Ek Sampradaya. But why he's using this word again and again? So there are two considerations we should speak about. One is a general consideration, and another is a specific consideration. So many Maharajas have spoke today about Guru Tattva. I have no qualification to speak about such a thing. There's a saying that Guru Mile, Lakhe Lakhe, Sishya Mile Ek. There's lakhs and lakhs of bona fide gurus, but very hard to find one bona fide Sishya. So when I think about Paramaraja Bhaktivedanta Swami Narayan Maharaj, I'm reminded of Chaitanya Mahaprabhu. And how Mahaprabhu, we were hearing from Yashodanandan Das Babaji Maharaj, how Sri Chaitanya Makod Gyana Hare Krishna Divarnaka Majayanti Jagat Premi Vijayanti Dharavaya, how Mahaprabhu gave the entire universe to chant the Hare Krishna mantra. But that's one aspect of Gaura Leela. Another aspect is the way it began. Mahaprabhu's Sankirtan movement began behind closed doors in Shiva Sangam, and it ended behind closed doors in the Gambira. So I see this same quality in Paramaraja Bhaktivedanta Narayan Maharaj. On one side, he had a very public side. And I remember one letter one Vaishnava society wrote to him complaining
why are you reading and speaking about Tulsidas's Ramcharitmanas? And the persons who wrote that letter weren't even qualified to be children to Srila Narayan Maharaj. But Narayan Maharaj wrote back in such a very gentle, sweet way. He begged apology, please forgive me, and he spoke in a very nice way. Rupa Goswami describes what is Priyambada in Bhakti Rasamrita Sindhu. Janikrita paradhebi santvavari priyambada. That someone, you speak sweetly to someone even if they're an offender. And he gives an example that Krishna, when he asked Kaliya to leave Braj, Krishna begged apology. He said, please forgive me, but the cows. We have to take care of the cow, so you should go somewhere else. So we saw this quality in Srila Narayan Maharaj, of Priyambada, that he could speak in a very sweet way, in a general way. But there's another quality also in him. In Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami quotes Samoyan Tantra, which describes a Gopayet Guru Mahatmana, that you should hide your guru. And there's another aspect of Guru Tattva and Sishya Tattva, that the Sishya should be very confidential. He should be antaranga. Once in Malaysia, I had the good fortune to be with Srila Narayan Maharaj in his private room, and a few devotees were there, and one Mataji came, and this Mataji, she came and she was shaking and she said, Guru Maharaj, please tell me, what is my Manjari Swarup? And Srila Narayan Maharaj looked at her and he smiled and he told her in a very grave way, he said, your name is Bhuta Manjari. Bhuta really, English means ghost. And all the devotees in the room who were Desi devotees, they could understand, they all started laughing like anything. And she was crying, she said, oh Gurudev, thank you so much. So Maharaj had both these qualities. And we have this Sangha today with so many devotees, and it's such a wonderful opportunity to come together. But Srila Narayan Maharaj, the quality in him that I always remember is that he gave something, his guyam akyati pripshati. He gave something very confidential. And both things should be there to remember him and to keep his presence. Krishna speaks the entire Bhagavad Gita. But at the end of the Gita, in chapter 18, text 67, he tells Arjuna, Idam te nadapaskaya, na bhaktaya jagat kadachana, na chashashushave vacham, na chamam yo byasuyuti. Don't speak this to people who are adapaskaya, who are not austere, who are abhaktaya, who are not devotees, na chashashushave vacham, who don't do service, and are abhisuyati, who are envious, who are critical. So to continue this Guru Dara, this line of Srila Narayan Maharaj, this Guru Padapadma Vakya, this very powerful Vani that he was giving, two things are required. Something big like this, we have a big function, but there also requires something very, very intimate, with smaller sanghas of devotees who understand the heart of Gurudev. So these are a few of my humble reflections today. I want to thank everyone very much for giving me some opportunity to be here. Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj ki Vancha Kopadarubhish Chant Kripa Sindhu Deva Champa Gitanam Pada Sri Bhagavad Gita Apta Gam Brahma. हे राधे ब्रज देवी के चलो इते हे नंद सुनंद कृत गोवर्धन पाद पतले कलंदी वने कृत गुसंत वीति सर्पत ब्रज परिखेदे महाभूलो वंदे रूप सनातन रघुजुगो
श्री जीव गोपाल को गुरवे कौर चंद्राय कराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो वंशकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज बड़ सौभाग्य एभली महापुरुष मानकर शतवार्षिक उत्सव व्यास पूजा रे सर्वप्रथमे मोर परमाराध्यतम गुरुदेव एवं परम गुरु तत्संगे संगे पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण महाराजंकर पाद पद्मरे मोर शतकोटी भूमिष्ठ प्रणाम मंचासीन समस्त त्रिदंडी सन्यासी ब्रह्मचारी साधु मातृवृंद पितृवृंद समस्तंकु मोर भूमिष्ठ प्रणाम। तबे ए अधम को मंच रे किछि कथा कहिबा त आमर योग्यता नाही तथापि जेहेतु आमको कृपा करिछंती मु 5 मिनिट नाही 2 मिनिट मात्र कहिबे। तबे पूज्यपाद महाराज शंकर शतवार्षिक व्यास पूजा त्रिदंडी सन्यासी गण जो भली भाव रे शास्त्र को विस्तार भाव रे प्रकट करी एठी प्रकाश कले आपण माने निश्चित समस्ते हृदयगम करिथिमे। तबे पूज्यपाद महाराज संग सहित तीन थर मु देखा हिचि गोटे थर मथुरा केशव गौड़ मठ रे आ गोटे थर इमिलताला जमुना कूल रे आ गोटे थर 2000 मसीहा रे प्रायत मुनि महाराज तंको ना कृष्ण प्रसाद प्रभु जे कि महाराज को आनी आमर मंदिर पाखरे रखिथिले एवं तंको गीत गोविंद सुनाउथिले। से समय रे पूज्यपाद महाराज के पाख में जाए दर्शन करथली महाराज पचारथले तुम नाम कौन आ तुम गुरु को नाम कौन मु सेठी कहिथिली जे मो नाम होछि आप्तकाम दास मोर गुरु होछन्ति श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज। एक कथा जो शुणी महाराज संगे संगे गला गोटे माला मत कृपा करे तेरे यहाँ हूँ बड़ सौभाग्य वैष्णव कर आशीर्वाद वैष्णव जहाँ कि त्रिदंडी सन्यासी गण जहाँ कहले साधु वैष्णव किए पर दुखे दुखी ए जगत रे केवल साधु वैष्णव माने पर दुख रे दुखी थांति काहे कि ना ए जो त्रिता आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक रे जर्जर जो दुख जीव माने दुख प्रकाश करछन तांगु उद्धार करबा पाई ए महान महतात्मा महान पुरुष जो माने कि भगवान कर निज जन से माने धराधाम को आसंति आम भली बध जीव मान को उद्धार करिबा पा तबे एई भली भाव रे पर दुखे दुखी जे कि आम सहित अछंति दामोदर गौड़िया मठर सभापति बोधायन महाराज हुए आज तांको पाई एई सभा पूर्ण हेछि केनि आमे आगर आगुरु देखि छु एते केबे भक्त समागम होंति नाही महाराज हम कहते महाराज पठान अच्छी सहित प्रचार यदि प्रचार करें
ताहले आपन कोर परमाराध्य तम गुरुदेव निश्चित आपन को ऊपर खुशी हेबे ते बोधेन महाराज तंकर नाम बंशी मदन प्रभु थिला जाउ से सुंदर भाबरे आज प्रचार करी समस्त भक्ति वेदांत पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज कर शिष्य एवं प्रशिष्य मान को देखी से निश्चित महाराज ए सभा रे आनंद निश्चित अनुभव करछन एटा केवल बोधेन महाराज को पाई संभव है शांत बोधेन महाराज की भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज की तबे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की तबे मोर कहिवार उद्देश्य होची जे वैष्णव किभली भाबर पर दुखे दुखी एटा आपण माने जानतु बोधन महाराज आपण मान पाखु जाउछन्ती प्रचार करछन्ती साधु वैष्णव मानकर गोटे धारा केवल भगवान नामाश्रय करी चतने तुमी थाको हो आपन काज गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोल डाक दुखे सुखे भूल नक बदन हरि नाम कर रे गाओ गोरा मधुर स्वरे कौन करिबा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जीव की समवेद भक्त वृंद की गौर प्रमाण देवव्रत दास ब्रह्मचर्य राधा कृष्ण समारंभ भक्ति सिद्धांत च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तम् वन्दे गुरु परम्परा पतित पावन सद्गुरुदेव शिल भक्ति कुमार संत गोस्वामी गुरु महाराज अभय सुख चरणारविंद दीन दास यथोजी प्रणति ज्ञापन परम पूज्यपाद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अशोक अभय चरणारविंद दास अड़ी पूर्वक दंड प्रणति ज्ञापन तथा पूज्यपाद सभापति महाराज मंचासीन समस्त त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी समस्त यथाजोग्य प्रणति ज्ञापन करुची तथा सम्मुख उपवेशनकारी समस्त ब्रह्मचारी समस्त मातृमंडली समस्त सुधी सज्जन समस्त चरणारविंदरे दासर आउ थरे नमन संक्षिप्त समय तो गोटे कथा हूँ शिष्य किए जे शासन माने सी हूँ शिष्य तो वास्तविक आम जड़े उत्तम शिष्य जड़े गुरु ही पारे तो आज ये महत्व सभारे आम पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज लीलामृत को आम आस्वादन कर गोटे आर्टिकल मुझे देखुली आम गुरु महाराज डिसेम्बर 1997 मसीह पूज्यपाद नारायण महाराज लिखुं जे वास्तविक नारायण महाराज जे विदेश रे केते सुंदर भाव रे प्रचार करथले ताहा को देखि गुरु महाराज अतिव खुशी होइ जंतु आ नारायण महाराज गुरु महाराज पाखु गोटे चिट्ठी लिखितले तार उत्तर दै छथि जे नारायण महाराज मु बहुत खुशी तुमे विदेश प्रचार करछ पचार फेरि छ पुणी थरे जीव मु ताहा सुनि कि बहुत खुशी होइ छी कारण तमर जे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से मते बहुत श्रद्धा करती मते बहुत प्रीति करती मते बहुत भल पाती वास्तविक गुरु महाराज पथ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज एम गुरु महाराज को बहुत स्नेह करते तेणु कहते मु 23 तारीख में ओडिशा पूरी आसुची देखा हम तो ये जड़े प्रचार जितेबले जो प्रचार करे वास्तविक आचार्य मैंने से खुशी हमें जदि तर जड़े प्रचार कर तो सही प्रचार माध्यम आम आज समस्ते एकत्रित होती वास्तविक गोटे कथा कह जगन्नाथ पुरी बहुत लोग आम दर्शन कर प्रत्येक दिन से दिन सनातन गोस्वामी महाप्रभु काशी धाम कहते जे आमा भजे कृष्ण कहते काशी विश्वनाथ कहले कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख
अमृत छाड़ी बीस मागे से ही महामूर्ख कहते कृष्ण कहले मत भजन किंतु विषय सुख मत टंका लाखपट कर दियो मो पु बाहर कर दियो मो झी बाहर कर दियो पुटा इंजीनियरिंग पास कर घरे बस चाकरी दे दियो झीटा बयस इंजीनियरिंग पास कर दियो ये जो विषय सुख ये विषय सुख को आम डेली मागुच जगन्नाथ मंदिर तो डेली लक्ष लक्ष प्रणाम कर समस्त उद्धार कहीं होनी कारण विषय सुख प्रकृत पक्षे भगवान कृष्ण कहते विषय सुख को जी मागे से कौन मागे जो अमृत दिखाई ये हाथ अमृत ये हाथ विष से अमृत टा को धरे एवं विष टा को धरे अमृत टा को छाड़े तेनाली आम हरिभजन करवार आशा रखा आम जाना जे आम अमृत छाड़ी विष मगुंट कि विष छाड़ी आम अमृत को धरवा यही रास्ता किए देखा सद्गुरुदेव जदि आम कौन गुरु आश्रा नहीं सद्गुरुदेव निश्चय से विष भाण टी फिंगे देवे आम को अमृत देदेवे से होती नारायण गोस्वामी महाराज शेष गोटे कथा कह बंदूक बंदूक AK-47 राइफल बंदूक काम कर गुड़ फुटे मनीष मर तो ये कथा तो बंदूक भितर गुड़ पश बंदूक फुटिले मनीष मर जहाँ को मार मर से गुड़ बजार बिक्री होती बंदूक बजार बिक्री हो गुड़ा को बंदूक भितर पुरे गुड़ा को फिंगा हम कई मरवे क्या आघात लगे से गुड़ जिते बड़े बंदूक भितर पशिक फुटिकी बाहर सेते बड़े जाए कि जड़े व्यक्ति मरव जहाँ को आघात दिज मर तो गुरु हूँ से हरिनाम माइक में शुभुची आम टी देखुं जपमाली बजार में बिक्री होमें आणिकी कले कि लाभ ना तेणु से ही जपमाली से ही हरिनाम आम नवा कितु गुरु रूपक बंधुक भितर जिते से ही जपमाली पशिक बाहर आम हृदय भितर जो अच्छी बस्तरता ताक सी विनाश करम भितर कृष्ण प्रेम जाग्रत कर तेणु से गुरु आवश्यकता निश्चित भाव अच्छी पाखरे समुद्र आम समुद्र में स्नान कर बहुत भल पाते ना कि समुद्र में स्नान कर बहुत भल पाते ना स्नान करोड़ खसीगला से कौन अवस्था हम कौन हम चित्कार करवा रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर से जो चित्कार समुद्र भितर बुड़ी मरुवा बेले जो चित्कार जदि संसार भितर रही मनीष से चित्कार करी हरिभजन करे से समुद्र जो भाई उठी पार ये संसार रूपक समुद्र से भाई से तरी पार तेणु से चित्कार करें दुई बार हरिनाम नहीं आज कथा आगे देव बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः समस्त हाथ टिकी बोलो बोले हरे कृष्ण के कौन आदि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 आप बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनवचे तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण कर उपस्थित समस्त त्रिदंडीवादगण समस्त वैष्णव वैष्णवी समस्त को यथाजुग प्रणाम कर आज आम मान बहुत सौभाग्य कहीं महाराज आविर्भाव तिथि को उपलक्ष्य कर आम मैंने समस्त ये उपस्थित हो
जे समय हरिदास ठाकुर से निर्जान तिथि से शरीर छाड़िले शेषे महाप्रभु कौन आशीर्वाद दिले जो माने यही हरिदास ठाकुर का निर्जान तिथि उपस्थित होती एवं जो माने शरीर समाधि टिके बाली दिले एवं अंतिम जो माने केवल खाली प्रसाद पाइले मो आशीर्वाद दौची अचिरात समस्त को कृष्ण प्रेम प्राप्ति हम तेणु जो माने महाप्रभु श्री महाराज के तिथि को उपलक्ष्य कर निश्चित रूप से देखुचंती एटा हूँ चक्रतीर्थ जगन्नाथ मत देखुचंती मोर भक्त को उपलक्ष्य करी आज केते भक्त लोक मान आसे निश्चित रूप से जगन्नाथ एवं महाराज समस्त को सी आशीर्वाद देवे एवं आम ओडिशार कोणाणु कोणर बहुत भक्त मान ये आते भक्त एवं सन्यासी मानते आेणु गुरुदेव जो देखुले बहुत वैष्णव आसती गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते तेणु गुरुदेव आम मान बहुत प्रसन्न होते आम मैंने तिथि को उपलक्ष्य करम मैंने समस्त ये उपस्थित हो तेणु तरह नारायण ना था जिते घर मध्य ना था नारायण जिते से गुरुदेव को पाखक आसिले तांकर गुरुदेव तांकर नाम रखले गौर नारायण जिते से सन्यासी ग्रहण करले तांकर नाम मध्य से नारायण रखले तीन अवस्था नारायण 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 तो ना नारायण कहीं तेणु यार अर्थ या अर्थ भीतर समस्त गुण परिप्रकाश पाई नारायण रो गोटे अर्थ है नर माने जिते प्रकार जीव अयन माने समस्त आश्रय तेणु वास्तव रूप से आम देखु जिते लोक श्रीचरण को आसिले अधिकांश यही जगत रे झगड़ा हुए ये हेला मोर शिष्य तार शिष्य सी हेला तार शिष्य अधिकांश यही विषय लेकर झगड़ा हुए किंतु ये महापुरुष एमती जन महापुरुष थे वसुधैव कुटुंबकम् संपूर्ण वसुधा को से निजर कुटुंब भले मन करते अधिकांश देखा जाए पाखे जो मैंने शास्त्र ग्रंथ अध्ययन कर प्राय तांकर शिष्य नुहति अन्य मानकर शिष्य तेणु उदाहरण दौ जे श्री जीव गोस्वामी पाखरे नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास सी पाखरे समस्त शास्त्र ग्रंथ अध्ययन करते कि तीन जन शिष्य कहीं ना कि जीव गोस्वामी शिक्षा देकर जन को बंगला जन को ओडिशा जन को मणिपुर जमी श्री नरोत्तम दास ठाकुर को मणिपुर को पठेले एवं श्रीनिवास आचार्य को से पठेले बंगला श्यामानंद को पठेले आम ओडिशा जमी से तीन जन शिष्य सर्वत्र महाप्रभु प्रचार प्रसार करते भाव देखा जाए गुरुदेव प्राय अन्न मान जिते शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिष्य बहुत आस जिते बड़े बड़े महाराज थे से समस्त स्कूल जिते लीडर थे हैं से समस्त महाराज माने गुरुदेव को पाक आसिक समस्त शिक्षा नौते एवं गौड़ीय मठर अन्यान्य मठर शिष्य मानते मुझे थी श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के शिष्य श्री गौरव गोविंद महाराज के शिष्य भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज के शिष्य भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज शिष्य भितर मुह तोर कौन सी भेदभाव ना से समस्त को निज भली मन करी समस्त को शास्त्र ताकु शास्त्र उपदेश दौले पाखे शिक्षा प्राप्त करते से एमती जड़े उदाहरण दौ जमी स्पर्श मणि जमी लुहा को स्पर्श कर सुना ही जाए जदि पाखे टिके हरिकथा शुणी ताल सी सब सुना ही जाए तांकर शिक्षा शिक्षित होकर संपूर्ण विश्व देख विश्व को माने बेसी सबुठ हरिकथा प्रचार कर शिक्षा शिष्य माने शिष्य माने संपूर्ण विश्व में महाप्रभु बाणी प्रचार कर देखते आम जन बोधायन महाराज गचर परिचय कौन बोले फल न परिचय फल द्वारा वृक्ष महत्व फल द्वारा हुए देखो गोटे फल देखो आम वैश्विक दान प्रभु बोधायन महाराज गोटे फल देखते से एमती गोटे फल है जे फल संपूर्ण ओडिशार लोक मान देखे आप बुझे कथा जो मानी यूट्यूब पढ़ुते देखुवे आप बुझी पारे कथा केते मधुरता केते सिद्धांत युक्त केते रस युक्त आप बुझी पारे जड़िय शिष्य जी से कहते पृथ्वी जड़िए शिष्य आसकर संपूर्ण ओडिशा को कृष्ण भक्ति प्रेम संपूर्ण सी प्लावित से कर गोटे गोटे शिष्य तेणु
आमे माने सुनु जो ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने महाप्रभु भक्त होती जने जने संपूर्ण ब्रह्मांड को से उद्धार कर पारती वास्तव रूप से जने जने शिष्य से जो पट को जाती संपूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम समस्त से प्लावित कर तेनालीर गोटे अर्थ हूँ नारायण द्वितीय अर्थ नारायण नर अर्थ हूँ रस अयन मान है आश्रय जी है संपूर्ण रस आश्रय ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଯେମିତି ଗୁରୁଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜ କଥାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ରସ କଥା ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଥରେ ଶୁଣିବେ ନା ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ ଫିକା ହେଇଯିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅୟନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଯିଏ ହେଲେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଥିଲେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ସେଠିକୁ ଆସିଲି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୃଷ୍ଣ କଥା ମନ୍ଦାକିନୀରେ ସେଠି ନଦୀ ସେଠି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିବେ ପଣ୍ଡା ମାନେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି ପଣ୍ଡା ମାନେ ବ୍ରଜର ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଜଗତ ଗୁରୁ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ମହାରାଜ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବ୍ରଜରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ମହାରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମଥୁରାର ପଣ୍ଡା ମାନେ ବରସାନାର ଏବଂ ନନ୍ଦଗାଓଁର ଯେତେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକିରି ସେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ଅର୍ଥ କଣ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ କଳିଯୁଗରେ ସିଏ ଜଣେ ବିଶେଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ସେଠି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତିନିଟା ମୃଦଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଉଦାହରଣ ଦଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃହତ ମୃଦଙ୍ଗ ଆର ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଯେ ମୃଦଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ତିନିଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା ବୃହତ ମୃଦଙ୍ଗ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସିଏ ବୋଧେ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଏତେ କେହି ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ଜୈବଧର୍ମ ଆଦି ଯେତେ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗ୍ରନ୍ଥ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଧୀରେ 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 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ ରୂପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା ପୃଥିବୀରେ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହେବେ ମୋର ନାମ ସୁଖୀ ହୟା ଲୋକ ମୋର ଗାଇବେ କୀର୍ତ୍ତି ଏଟା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଛତିଶ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଛତିଶ ଥର ସେ ପରିକ୍ରମା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ବାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାକୁ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଇଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯିଏ ଅବଦାନ ଅଦ୍ଭୁତ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମ ନିଜକୁ ନିଜ ମନେ କରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏମିତି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ମୁଁ ଭଜନ କରିବାର ବା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ନିଜ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିନି ଯେତେ ଜୀବନ ତମକୁ ଲାଗିବ ସେ ଭଜନ କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ ସେ କଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଥରେ ଆସିକିରି ସେ ଯେ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଖାଲି ସେଇ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆମର ରୂପାନୁଗତ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେଇ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କର ସେଟା ଯେତେ ଜୀବନରେ ମିଳିବ ସେଟା କାହିଁ ନ ମିଳୁ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଯେ
प्रेरणा तार द्वारा अनुप्रेरित होगी ये जीवन को जो भाव में शुद्ध भक्ति करी आम मैंने जीवन को बीते दीपार तेनाली महाराज से गोटे निजे अष्टक या चाहते से गुरुदेव बोधायन महाराज से पंडित आगे स्कूल से प्रोफेसर थे गुरुदेव बहुत सुंदर गोटे अष्टक तैयारी कर जो अष्टक प्रत्येक मठ से गाँती एने गोटे नुआ अष्टक कर चाहते से अष्टक समस्त गातु जो जो मान पाखे से कागज पहुंची से पचरे पचरे आप देखी देखिए से अष्टक गात गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल षष्ठम दंडवत प्रणाम अर्पण करी तंकर अहित की कृपा प्रार्थना करूछि रूपानुभव गौड़िया गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषत षडग स्वामी पाद समस्त चरण गण दंडवत प्रणाम अहित की कृपा प्रार्थना उपस्थित पूज्यवाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज अन्यान्य त्रिदंडी पाद गण समस्त भक्त वृंद माँ मने समस्त चरण अधमर यथाथ प्रणाम स्वीकार गुरुदेव कहते वैष्णव सेव्य वस्तु किंतु तो व्यास पूजा रे वैष्णव मानकर सेवा करिया पर दुख लागुचि जे आमे ठीक रे व्यवस्था करि परनु खरा हलाणी समस्त भक्त माने असुविधा भोग करचंती वैष्णव माने मध्य किंतु यथा संभव आमे एथि पई क्षमा प्रार्थना करूचु आउ तातर गुरु वैष्णव माने दयालु मध्य कृपा करिवे क्षमा मध्य करिवे गुरुदेव का व्यास पूजा रे अव्यवस्था हेछि तबे जहा हो गुरुदेव स्मरण मंगल स्तोत्र आम गोटे कृपा आम चरण पुष्पाजलि देचु यद्यपि इतना बहुत कथा कहार अवसर ही ना आवकाश ना तथापि आम पांच मिनट आपण मान निकट कष्ट सहन करके बसवा प्रार्थना करथासंभव आम आपको यही सभा को वर्तमान पूर्णांग प्राप्ति आड़क ये गति कर उपजाति छंदरे आमे पुष्पाजलि अर्पण करुचु श्री गुरु स्मरण मंगल स्तोत्र या गुरुवाष्टक वृंदादि अष्टक स्वर में गान करें एवं संध्या समय सूचना देवी संध्या समय आमर जो मैंने गुरु भाई मैंने अच्छा अनेक अनेक वैष्णव मान थिले जो मैंने हरिकथा सुंदर कही पारे एवं कहार इच्छा मैं कि समस्त को सुजोग मिल पार नहीं बहुत कम समय तेणु चरण मध्य आम क्षमा प्रार्थना करुचु एवं संध्या समय किंतु आमर जो मैंने निजर गुरु भाई मैंने अच्छा से मैंने समस्ते किसी कथा पर निजर गुरुदेव सपक्षे गुरुदेव विषय गुण कीर्तन करेंगे एवं आम आसतु पांच मिनट पुष्पाजलि अर्पण कर मोर वाणी को विराम देवी श्री भक्ति वेदांत सुनाम धन्य गोस्वामी नारायण पाद पद्म तजन मन श्री सतवर्षिकाते स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यम जगत जे सुनाम धन्य नारायण नाम जहाँ को व्याख्या करते गुरु पूज्यपाद महाराज जी तर शतवार्षिकी मुझे से वंदनीय गुरुपाद पद्म को स्मरण करन्यासी गुदेव सुवर्ण वर्णम स्मित सुभिवक्त्र नीलाब्ज नेत्र सुख साय वस्त्र स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यम जे सन्यासी एवं ब्राह्मण कूल उत्पन्न सुवर्ण वर्ण कांति स्मित शोभित वक्र नीलाद्री नीलाब्ज नील कमल नेत्र सदृश जहां नेत्र कषाय वस्त्र धारी से गुरुपाद पद्म को मु स्मरण करुचि स्वसेवया वैष्णव तोषिचितम श्री भक्त बंधो सदुपाधि सिद्धम गौड़ीय वेदांत सभा प्रदीपम स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यम जी वैष्णव मान कर निजे सेवा करी संतोष करथिले वैष्णव मान को जहाँ गुरुदेव ठार परम गुरुदेव ठार से भक्ति भक्त बांधव उपाधि प्राप्त करते गौड़ीय वेदांत समित्र जे सभा प्रदीप सदृश से वंदनीय गुरुपाद पद्म को स्मरण करुच्ची
केशवानुजाय निमज्जयन्तं करुणाप्रवाहे वनस्मृतं श्रीगुरुदेव वन्द्यं ये दुर्वासना चित्तवृत्ति को मध्य संशोधन करी राधाराणीकर दास्य रूपक समुद्र रे जे निमज्जित करथले निजर करुणा प्रवाह द्वारा चाइनार जणे 60 वर्षर वयसर वृद्ध मां जणे आसिकी गुरुदेव दर्शन करे बसछन्दि गुरुदेव सेवक बचले ए तुमको क्या चाहिए कौन दरकार व्हाट यू नीड से कहले जे मते राधा दास्य दरकार माने दुर्वासना चित्त वृत्ति जो चाइना रे कंकड़ा सापठ आरंभ रे सब किछ खाइबा को व्यस्त किंतु सेई भणी जगतर सेई जगतर मध्ये लोकमान को भीतर जे राधा दास्य रूप को परम चरम प्रयोजन वस्तु को संचारित करथले से गुरुपाद पद्म को हमें स्मरण करजो रागानुगा भक्ति रति प्यरम्या रूपानुगा भक्ति रथा पे वैधि वैशिष्ट्य शंकर बोधय स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यं वास्तव में भक्ति तो भक्ति जे जहाँ करचन तक भक्ति पद वाच्य कहुचे कहचन समझते कि वास्तव में रागानुगा भक्ति कौन रूपानुगा भक्ति कौन वैधि भक्ति कौन स्वरूप भक्ति संग सिद्धा और साधन सिद्धा ये सब भक्ति रा कौन वैशिष्ट्य अछि से संबंध रे जो गुरुपाद पद्म विवेचना करी निजे आस्वादन करिया सहित समस्त को बोध परिबोधयंतम बुझे दोतले से गुरुपाद पद्म को स्मरण करजी रूपस्यतो श्रील सनातनस्य रसामृतं भागवतामृतं च आस्वाद्य शेष्यांश विबोधयन्तं स्मरामि तं श्रीगुरुदेव वन्द्यं रूप गोस्वामी पादंकर भक्ति रसामृत सिंधु एवं सनातन गोस्वामी पादंकर बृहद भागवतामृतं जहाँ को गुरुदेव पूरा तीन थर पाठ करथिले से गुरुपाद पद्म आस्वाद्य शिष्यश्च विबोधयन्तम् निजे आस्वादन करी शिष्य मान को बुझेई दउथिले से गुरुपाद पद्म को वंदना करूचि संस्कार जय वृंदावन दिव्य भूमि परिक्रमा शिक्षण कार्य दक्षम ब्रजे दुर्गाचार्य तया प्रसिद्धम् स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यम् अप्राकृत दिव्य वृंदावन भूमि की जे संस्कार करी कालिया दहन धाम कहंतु किंबा ब्रजर अनेक जावट आदि अनेक ब्रज वृंदावन स्थान को ये संस्कारित करथिले एवं ता सहित परिक्रमा को समस्त डाकी डाकी परिक्रमा रा महात्मा को शिक्षा प्रदान करथिले अस्वस्थ लेला रे दिल्ली रे थिबा समय जे जाउथिले समस्त कहथिले ए तुम चलो कार्तिक परिक्रमा में वृंदावन में मैं आ रहा हूं तबे से गुरुपाद पद्म ब्रजरे जहाँ को जुगाचार्य उपाधि प्रदान करा जायची से गुरुपाद पद्म को स्मरण करूची जशसुदास्म स्मरणे नजस्य प्रसन्नतां जति समस्त चित्तं वात्सल्य सौशील्य गुणाकरं च स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यं ये जहां कर जस सुधा को स्मरण करी प्रसन्नता जाति समस्त चित्तम समस्त चित्त प्रसन्नता को प्राप्त करे एवे आपण फेसबुक रे देखिवे आम गुरुदेव संगरे अनेक अनेक प्रकार केवल गुरु स्मरण स्मृति मते चली जे से समस्त भक्त माने गुरुदेव कर गुण कीर्तन करी प्रसन्नता को लाभ करचंदी त देखा जाए गुरुदेव पाखो जे आस्था तो देखले माने बतले कैसे हो सब ठीक है अरे हे जणे बहुत कथा विलम्ब हो बात्सल्य सौशल्य सौशल्य व्यवहार बात्सल्य स्वभाव हेतु जहाँ को स्मरण करुपाद पद्म को चैतन्य चंद्रस्य कृपा स्वरूपम् ब्रजस्य लीलामृत माधुरीं च विविच्य चास्वाद्य च पाययन्तम् स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यम् चैतन्य चंद्रंकर कृपा स्वरूप कौन गुरुदेव कहते स्वभक्ति स्त्री
स्वभक्ति श्री उन्नत उज्जवल स्वभक्ति श्री की प्रदान करने महाप्रभु वास्तव कृपा एवं ब्रजश्री लीलामृत माधुरी ब्रजर वास्तव माधुरी कौन लीलामृत ब्रज माधुरी ब्रजर महिमा को ब्रजवासी मान महिमा को ये प्रकाशित करते सहित बेचना कर आस्वादन करें समस्त पाय यम पियाले से गुरुपा वंदनीय गुरुपाद पद को स्मरण कर श्री चक्रवर्ती अम्बरीश रोज भृंग श्री पारकीय प्रज्ञान सिद्धांत धनौघदेव स्मरामि तं श्री गुरुदेव वंद्यम जे चक्रवर्ती पादंकर चरण कमल जे होंगे भृंग मान भार स्वरूप चक्रवर्ती पाद टीका चक्रवर्ती पाद ग्रंथ चक्रवर्ती पाद अर्थ को जो बुझे प्रति विशेष अनुरक्त थे गुरुपाद पद्म सहित श्री पारकीय रतौश विज्ञ पारकीय रति कौन विशेष भाव जो मैंने ब्रजर आम पूजा मथुरा दास बाबाजी महाराज की प्राय विशेष जानते आम गुरुपाद पद्म पारकीय भाव को विशेष भाव प्रतिष्ठा कले जमीक ये ग्रंथ प्रबंध पंचपाद ग्रंथ रचना करी पारकीय भाव रतिर सुविज्ञ विशेष वक्ता थे जड़े विशाखा दीदी नाम कहते गोटे झीवर ना देते गुरुदेव विशाखा विशाखा को जन माताजी कमेंट करते कहते उपवास करके व्यंग करके ए विशाखा कहाँ से आई हो वो तो छोटी बच्ची थी से छोट पिला था से कहते मुझे काम ही कर लचा गाँव ना ना उचा गाँव हूँ ललिता सखी गाँव हूँ उचा गाँव से कहते उचा गाँव आबे से दीदी कहती उचा गाँव तो ललिता सखी कर विशाखा कर काम ही कर सेपटे गुरुदेव शुणी कले ना ना मैं उनको ये विशाखा गण में नहीं ललिता सखीरा गण भीतर जन मंदिर अच्छे तक नाम हूँ विशाखा विशाखा दे अर्थात ललिता सखी अजोग्या किंकरी विनोद धरी छपाए ललिता सखी को गणरे रूप मंजरी का अनुगत्य राधा राणी कर सेवा करिवारे जो दास्यता रूपक प्रयोजन देवारे गुरुदेव सुसिद्ध तेणु कहले स्वपार किय रतौषु विज्ञ प्रज्ञान सिद्धांत धनौघदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एवं सिद्धांत मान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद पारमार्थिक संपत्ति रूपक धन भंडार जे देव अधिकारी श्री गुरुपाद पद्म को स्मरण करुची वैराग्य शिक्षा भजनादि विष्ट श्री दास गोस्वामी पदांक पोत परंपरा भागवती वैराग्य शिक्षा भजनादि जे दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी पदांक अनुसरण करुले परंपरा भागवती प्रधान ये भागवती परंपरा दी प्रकार परंपरा गुरु परंपरा जो शिष्य परंपरा आउट भागवती परंपरा गुरुदेव कहते परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद दीक्षा नहीं ना कि परीक्षित महाराज यदि गुरु किए पचारे कौन कह हे सुखदेव गोस्वामी पाद तेणुक दीक्षा नहीं गले केवल गुरु शिष्य हमें भागवती परंपरा ये जे गुरु परंपरार वास्तव संपत्ति की धारण कर गुरुपाद पद्म को मु भागवत तेणु भागवत परंपरा हेतु पाखे कौन सी जनकर शिष्य बोली आम जन निज गुरु महाराज शिष्य कहीदे जे आम तो महाराजा शिष्य गुरुपाद पद्म तो डकेले ये गुरु परंपरार समस्त होती आधार आम शिष्य कौन आम तुम प्रभुपाद सहित जोड़ी है ना एवं शेष गला स्वसिद्ध मूर्त रमण स्वरूप किशोरी सेवादि विकास सिद्ध तदीय सेवादि विधान कारे नियोजनम रूप विनोद तुष्ट कहे सुसिद्ध मूर्त रमण स्वरूप जी निज सिद्ध स्वरूप रमण मंजरी रमण स्वरूप रमण मंजरी एवं किशोरी सेवादि विकास सिद्ध किशोरी राधाराणी सेवा को विकास वर्धन करिवारे सिद्ध
ଏବଂ ନିୟୋଜ୍ୟମାନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କର୍ତ୍ତା, ବିନୋଦ ମଞ୍ଜର ଯିଏ ପରମ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କର୍ତ୍ତା, ତଦୀୟ ସେବାଦି ବିଧାନ କାଳେ ତାଙ୍କର ସେବା ବିଧାନ କାଳରେ ହେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ଏ ଅଧମ ଦିନକୁ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ ତାରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମହାରାଜନେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ପ୍ରତି ସେବାର ସୌଷ୍ଠବ ଆଉ ସେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତାର କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ସେବାର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାରାଜ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଉତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟପାଦ ନରହରି ପ୍ରଭୁ, ପୂଜ୍ୟପାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମର ପୂଜ୍ୟପାଦ ସନାତନ ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ତପନ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ଗାଁରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ବସେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେବେ ଅନେକ ପୂଜା ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ, ରମଣୀ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ, ନବକିଶୋର ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣଦାସ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଆମମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଥିଲେ। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ପୂଜ୍ୟପାଦ ସଞ୍ଜୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ପ୍ରବୋଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦଙ୍କର ଗୁରୁ, ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ନବଦୀପ ଶତକମ ଆଦି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଦେଶ ଥିଲା। ଏବଂ ଗୌରୀୟ ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ ବାହାରିଛି ପୁଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳାରେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ଅଛି, ଏବଂ ତା ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଅ ସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଗୁରୁଜନ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଚାରିଟା ବହି ବାହାରିଥିଲେ ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ସେଣ୍ଟ, ତାର ନିର୍ଯ୍ୟା ସବୁ ସାରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ନାମ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଛି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର, ଏ ଭକ୍ତି ଜିଜ୍ଞାସା ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଠନୀୟ, ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦୀପିକା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଉତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରମଣୀ ମୋହନ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବ୍ୟାସ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ଅନର୍ଘ ହୋଇକି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାକୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବିଶେଷ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ବହି ନେଇକି ଗଲୁ ଗୁରୁଦେବ ବିଶେଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଏହାକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବସ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହେଉଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହବ, ଆଉ ବିଶେଷ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଥର ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ପରିବେଷଣ କରିବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ନାମ ଅଟର ସେବକମାନେ, ହଁ ଆର୍ତ୍ତି ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏପଟେ ପ୍ରଥମେ ଏପଟେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମଠରୁ ମଠ ଆସି ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏପଟେ ବସିବେ, ସମସ୍ତେ ତ ବୈଷ୍ଣବ କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ବସିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମଠ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ରହିପାରିବ, ସକାଳ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ରହିଯିବେ, ପରେ ପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇକି ପଳେଇଯିବେ। ଏବଂ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି, ସତରେ ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମହାରାଜ କେତେ ବହି ହଁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।